पति को छोड़कर भारत में अवैध तरीके से पहुंची पाकिस्तानी सीमा हैदर लगातार चर्चा में है। सीमा पर हाल ही में फिल्म बनाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद फिल्म के लिए कलाकारों का ऑडिशन भी लिया गया, लेकिन फिल्म को लेकर लगातार विवाद भी हो रहा है। समाजवादी पार्टी नेता अभिषेक सोम लगातार सीमा पर निशाना साध रहे हैं। यहां तक कि अब पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों को लेकर भागी सीमा हैदर का पाकिस्तान का टिकट भी कटा दिया गया है। ये टिकट सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के एक नेता ने शेयर किया है। ट्विटर पर समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक सोम ने टिकट की तस्वीरें शेयर की। इसके साथ ही उन्होंने उस फिल्म का पोस्टर भी शेयर किया जो सीमा और सचिन की कहानी पर बनने वाली है। अभिषेक ने टिकट और फिल्म के पोस्टर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, हैशटैग सीमा हैदर, देश के गद्दारों को हिंदुस्तान में रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। अपनी हीरोइन को लेकर पाकिस्तान चले जाइए। अमित जानी देश के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगा कराना चाहता है। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीमा वाकई में पाकिस्तान लौट जाएगी? लगता तो नहीं है, लेकिन सीमा हैदर और उन पर फिल्म बनाने की घोषणा कर चुके डायरेक्टर प्रोड्यूसर अमित जानी लगातार निशाने पर हैं। बता दें कि अमित जानी सीमा की कहानी पर फिल्म बना रहे हैं। उन्होंने सीमा के पहले पति गुलाम हैदर को भी भारत आने का निमंत्रण भेजा है। अमित जानी ने वीडियो जारी कर कहा कि वो फिल्म के लिए सीमा के पूर्व पति गुलाम हैदर से बात करना चाहते हैं। सीमा के विषय में अधिकाधिक जानने के लिए चूंकि हमारा प्रोडक्शन हाउस, हमारे जो राइटर्स हैं, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं और मैं खुद, हम गुलाम हैदर की भी ओपिनियन जानना चाहते हैं। चूंकि स्टडी करनी पड़ेगी पूरी, तो हम गुलाम हैदर से भी सीमा के जीवन के व्यक्तित्व के संबंध में जो है कुछ जानकारियाँ चाहते हैं। तो मैं यहाँ इंडिया में हूँ और नोएडा में हूँ। मैं गुलाम हैदर जो हैं सीमा के पूर्व पति, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि हमारा इसमें सहयोग कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। अगर वो चाहें भारत आना तो उनका स्वागत है, वो वीज़ा लेके जो है दिल्ली आ सकते हैं। उनसे सीमा के जीवन पर बात करने के लिए तैयार हैं, और अगर चाहें तो हम अपने राइटर्स को जो है वहाँ भी भेज सकते हैं अगर वो होस्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर वो चाहते हैं कि इस संबंध में उनसे बात की जाए तो हम गुलाम हैदर साहब के पास जाके अपने राइटर्स को, स्क्रीन प्ले राइटर्स को वहाँ भेज के तो भी हम उनसे चर्चा कर सकते हैं। 1-2 दिन की हमारी चर्चा ज़रूर होनी है, और अगर वो चाहें कि वो यहाँ आना चाहते हो इंडिया, तो वो पाकिस्तान से जो है दिल्ली का वीज़ा लेके या मुंबई का वीज़ा लेके लीगल तौर पे भारत आ सकते हैं। हमारे प्रोडक्शन हाउस में बैठ के 2-3 दिन वो जो है सीमा के बारे में हमें जानकारी दे सकते हैं। अगर वो नहीं चाहेंगे तो भी जानकारी तो हम जुटा ही लेंगे, चूँकि हम फिल्म मीडिया जगत से हैं तो हमारे अपने सोर्सेज भी होते हैं। लेकिन अगर गुलाम हैदर साहब इसमें हमें सपोर्ट करना चाहें तो हम उनका भी धन्यवाद अदा करेंगे। बता दें कि सीमा और सचिन की कहानी पर बन रही फिल्म का नाम कराची टू नोएडा रखा गया है। अमित ने फिल्म के लिए ऑडिशन भी लिए हैं। अमित जानी का कहना है कि देश और दुनिया के लोग सचिन और सीमा की कहानी जानना चाहते हैं। इसके लिए 50 से 60 मॉडल्स के ऑडिशन लिए गए हैं। युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।